अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सज्जाद टेक्निकल 44 यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको वेलकम है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं मेरे दोस्तों। बहुत सारी वीडियोस इन्वर्टर, यूपीएस स्टेबलाइज़र और फिर जो है सोलर पैनल चार्जर के बारे में थी। आज मैं आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफ़र लेकर आया हूँ, जो ऑफ़र है एक नोट 20 अल्ट्रा 5G। ये देखिए, ये नोट 20 अल्ट्रा 5G है और ये यूज्ड मोबाइल है। और मैं सिर्फ इसका रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे दोस्तों में से, मेरे सब्सक्राइबर्स में से या किसी भी व्यूवर को इसकी ज़रूरत हो तो बहुत ही एक्सक्लूसिव ऑफ़र है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र है। और मोबाइल यूज्ड है लेकिन इसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट या कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है। इसका ओरिजिनल बॉक्स IMI मैच विद मोबाइल IMI PTA ऑफिशियल अप्रूव्ड है और इसके अंदर वो तमाम फीचर्स हैं जो गेमिंग के लिए यूज़ होते हैं। और इसके अलावा हाई डेफिशिएंसी वीडियोस देखने के लिए और अल्ट्रा जो है अल्ट्रा क्वालिटी की वीडियोस देखने के लिए मोबाइल यूज़ हो सकता है। और बहुत ही उम्दा किस्म का मोबाइल है। आइए मैं आपको खोल के इसको चेक कराता हूँ, इस पर पबजी गेम भी थोड़ी सी खेल के दिखाऊँगा। तो मेरे दोस्तों, जिसको भी ये मेरी ऑफ़र पसंद हो और जो पहले आएगा पहले पाएगा की बुनियाद पर जो है आपको ये ऑफ़र दे दी जाएगी। और इसकी कीमत मैं बिल्कुल एंड पे बताऊंगा ताकि जो है ना मेरे व्यूवर्स को सबसे पहले इसके तमाम जो ऑफिशियल अप्रूव्ड सिस्टम है और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट सिस्टम है वो सारी मैं उसका रिव्यू देने के बाद इसकी कीमत बताऊँगा, ताकि आपको पता हो कि मोबाइल के अंदर क्या क्या एफिशिएंसी है और क्या क्या काम कर सकता है। इसके बाद मैं आपको कीमत बताऊंगा। तो आइए आगे चलते हैं जी दोस्तों। ये देखिएगा, मैंने बॉक्स खोल लिया है और बॉक्स के अंदर इसकी एसेसरीज़ जो हैं उसमें इसका एक चार्जर है जो मेरे पास मौजूद है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये एक बुकलेट है, एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है। और इसके अलावा ये ब्लैक कलर में जो है बहुत ही फैंटास्टिक कलर है ये मोबाइल है। और इसको मैं अपना फिंगरप्रिंट, इन स्क्रीन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है जो मैं आपको लगा के अभी दिखाता हूँ। ये देखिएगा, थोड़ा सा नमूदार हो गया। आप फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो फौरी तौर पे विद इन सेकेंड जो है मोबाइल ओपन हो जाएगा। इसके बाद इसका डिस्प्ले जो है बहुत ही उम्दा किस्म का डिस्प्ले है और इसमें डार्क सीन मोड एक्टिव किया हुआ है। मैं उसको ऑफ़ कर देता हूं ताकि आपको स्क्रीन जो है सही तरीके से नज़र आ जाए। इसके अंदर आप पबजी गेम खेलें या फिर इसके अलावा इसके अंदर आप कोई वीडियो प्ले करके देखें, इंटरनेट की अगर स्पीड ठीक हो तो आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देगा। और इसके अलावा इसके अंदर जो आप वीडियोस हैं, हाई डेफिशिएंसी वीडियोज़ हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा पिक्सल पर जो है अपीयर होती है और देखने में किसी किस्म की कोई इसके अंदर कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल जो है हर इतबार से मोबाइल जो है ओके है। इसके कैमराज को अगर देखें तो ये वाला कैमरा जो है 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसके अलावा ये दोनों जो है 12-12 मेगापिक्सल के कैमरे हैं और बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाता है। और मून जूम है, मैं मून जूम की कुछ तस्वीरें मैंने ली थी, वो भी मैं आपको अपीयर कर दूंगा और वीडियो के अंदर। तो मेरे दोस्तों, मैं इसके ऊपर पबजी गेम और इसके अलावा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वो भी आपको चेक करके दिखा दूंगा और कैमरा भी चेक करा दूंगा, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं जी दोस्तों। ये देखिएगा, मैं आपको इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है आप सिलेक्टेबल है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं और रेजोल्यूशन आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है। अब हम आगे आपको दिखाते हैं इसका सॉफ्टवेयर अपडेट और IMI नंबर। तो IMI नंबर जो है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिएगा, नीचे अबाउट फ़ोन में जाके उसके बाद जो है मैं आपको IMI नंबर इसका शो करवा देता हूँ। ड्यूल सिम है, ड्यूल सिम की IMI लगी हुई है। देखें जी, ये IMI नज़र आ रही है आपको। ड्यूल सिम, एक फ़िज़िकल सिम है और दूसरी जो है ई सिम है, दोनों एक्टिव हैं, PTA ऑफिशियल अप्रूव हैं जी दोस्तों। अगली चीज़ जो है, मैं आपको इसका सॉफ्टवेयर अपडेट सिस्टम दिखाने लगा हूँ। ये देखिएगा, जो लास्ट सॉफ्टवेयर अपडेट इसका हुआ है, ये देखें 5 जनवरी को इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाता है। अगर आप मैन्युअली सिलेक्ट करना चाहें तो मैन्युअली भी हो जाता है। अगली बात बताते हैं जी, अभी मैं आपको इसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिखाता हूँ जो कि मैन्युअली सिलेक्टेबल भी है 120 हर्ट्ज़ तक। ये देखिएगा,
यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 120 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज दोनों सिलेक्टेबल हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि पबजी गेम के लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव हैं और पबजी गेम खेलने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जी दोस्तों, अभी मैं आपको इसके ऊपर पबजी गेम प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, मैं पबजी गेम प्ले करता हूँ और उसमें देखिएगा कितनी जल्दी जो है पबजी गेम प्ले हो जाती है और इसका फ्रेम रेट क्या है और HDR पर जो है स्मूथ स्क्रीन पर 90 हर्ट्ज का FPS देती है और जो अल्ट्रा एच पर 40 FPS का फ्रेम रेट देती है। जी देखें, ये देखें जी, ये गेम स्टार्ट हो चुकी है और इसकी सिलेक्शन हो रही है। देखें, एवरीथिंग इज ओके। देखें, तो जी दोस्तों, मैंने आपको फ्रेम रेट तो चेक करा दिया, रिफ्रेश रेट भी चेक करा दिया। अब आपको थोड़ा छोटा सा एक गेम प्ले क्लिप चेक करवा देते हैं कि पबजी गेम कैसे चलती है। ये देखें, अच्छा जी, ये देखें, ये फ्रेम रेट है इसका, ये FPS। जी दोस्तों, आपने गेम की एफिशिएंसी भी चेक कर ली है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, मैं इसके बाकी भी कुछ जो है फंक्शन बताऊंगा, तो आप देखते जाएं गेम कैसे प्ले हो रही है। जी देखें, गेम प्ले होने के साथ साथ मेरे दोस्तों एक और एक्सक्लूसिव थिंग जो है वो इसकी स्टीरियो साउंड है और डॉल्बी साउंड सिस्टम है, जो कि विद इक्वलाइजर सपोर्टेड है। डॉल्बी साउंड सिस्टम जो कि ड्यूल स्पीकर के साथ है स्टीरियो साउंड सिस्टम। जी दोस्तों, अब मैं आपको ड्यूल स्पीकर साउंड चेक करवा देता हूँ। देखिएगा, ये देखें, एक ये वन स्पीकर है और दूसरा स्पीकर इस तरफ है। ये देखें, दोनों तरफ से जो है साउंड वेरी वेरी एक्सक्लूसिव साउंड है और स्टीरियो साउंड है। आपको डॉल्बी साउंड सिस्टम पर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम जो है ना साउंड सुनने को मिलेगी इसके अंदर। जी दोस्तों, अब मैं आपको इसका एस पेन और एस पेन के जो फंक्शंस हैं वो थोड़े से बता देता हूँ। मुकम्मल तो मुझे नहीं आते क्योंकि मैंने भी इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया। ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने जैसे एस पेन ऑन किया, निकाला है तो इसका ओरिजिनल एस पेन है और इसके बाद स्क्रीन ऑन हो जाते, कोई नोट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया सज्जाद टेक्निकल 44, ठीक है जी। आप इसको सेव कर सकते हैं, आप इसको मिटा भी सकते हैं दोबारा। देखें, आप कोई भी नोट लिख सकते हैं बड़े आराम से और इसके बाद फिर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर आ जाएं। स्क्रीन के ऊपर आने के बाद आपने YouTube प्ले किया, YouTube प्ले करेंगे तो YouTube के अंदर आपने कोई सी भी वीडियो प्ले की, जैसे मिसाल के तौर पर ये वीडियो प्ले की है, आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप डबल टैप करेंगे तो आगे वाली वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। इसको इस ये बटन जो है एस पेन के ऊपर डबल टैप करेंगे, आगे वाली वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। सिंगल टैप करेंगे तो ये वीडियो पॉज हो जाएगी। और इसके बाद अगर आप वॉल्यूम अप डाउन करना चाहते हैं तो यूँ करेंगे, तो ये देखिए वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम आप अप डाउन को यहाँ से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहीं से डाउन करना चाहता हूँ, ये मैंने नीचे किया, वीडियो नीचे चली गई, ये दबा के नीचे किया तो वॉल्यूम डाउन आ जाएगा। ये देखे, ठीक है, इसी तरह जो है ना इसके तमाम फंक्शन जो है ये एस पेन के ऊपर वर्क करते हैं। स्क्रीन शॉट लेना हो तो आप यूं जैसे यूं करेंगे, इसको हिलाएंगे, यूं शेक करेंगे तो स्क्रीन शॉट ले लेगा बटन को दबाने के बाद, ठीक है। ये देखे, और ये तमाम फंक्शन एस पेन के ऊपर इसके अपीयर होते हैं और फंक्शनल है। आप बजाते खुद चेक करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल फंक्शन जो है वो मिल जाएंगे। तो मैंने ज़्यादा चेक नहीं किया, ये आपको खुद चेक करने होंगे। और इसके बाद स्क्रीन टच जो है
मुकम्मल तौर पे एस पेन के साथ आप कर सकते हैं। ये है एस पेन के फंक्शन, और एस पेन के फंक्शन जो है वो आप इसके अंदर सेटिंग के अंदर जाके आप मुकम्मल फंक्शन वहाँ से चेक कर सकते हैं। जी दोस्तों, मैं अब आपको इसका जो है ना कैमरा चेक करा देता हूँ। कैमरा जो है इसका कैसे फंक्शन काम करता है, ये यहाँ पर जो है ये पोर्ट्रेट कैमरा है, ये देखिएगा। और इसके बाद जो है ये आ गया इसका फोटो कैमरा, जो ये देखिए मैं जूमिंग करके भी दिखा देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर जो है ना ये एक अनार का दरख्त है, तो इस पर जो है ना अनार भी लगे हुए नज़र आएंगे आपको। इसके बाद आगे वाला कैमरा जो है, ये टेलीस्कोप कैमरा है, जो मून जूम करके भी आपको दिखा देगा। मून जूम की मैं पिक्चर भी आपको दे दूंगा। इस वक्त मून है नहीं, वरना मैं आपको जो है मून दिखा देता। ये देखें यहाँ पर जो है ये अनार लगे हुए हैं, देखें ये अनार जो है कैसे नज़र आ रहा है। 50x तक जूम करता है ये। थोड़ा सा आँखों का प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे थोड़ा फोकस करने में मुश्किल हो रही है। देखें, ठीक है जी, ये है इसका कैमरा टेस्ट। और इसके अंदर बाकी जो HDR के सिस्टम है वो सारे आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। वो मैं आपको नहीं शो करवा सकता क्योंकि थोड़ा आँखों का प्रॉब्लम है, मुझे पढ़ना नहीं आएगा, तो बाकी चीज़ बाद में दिखा देंगे आपको, ठीक है जी। जी दोस्तों, इसकी जो एसेसरीज़ हैं, बहुत सारे दोस्त हमसे पूछते हैं कि क्या क्या है इसका। ये एक पाउच है, एस पेन है, फिर चार्जर है। चार्जर जो है इसका, ये ऑटोमेटिक चार्जर है, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट 25 वाट का चार्जर है। इसका अपना ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन किसी भी कंपनी का जेन्युइन चार्जर है जो कि ऑटोमेटिकली सपोर्ट करता है। जो जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास जो चार्जर है, मोबाइल है, वो 5 वोल्ट सपोर्ट करता है, तो ये 5 वोल्ट पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर वो 9 वोल्ट का मोबाइल है तो 9 वोल्ट पे आ जाएगा। अगर 12 वोल्ट का, तो 12 वोल्ट पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ ये इसका डब्बा है, जो इसका जो है ना IMEI वगैरह सब टोटली मोबाइल के साथ मैच है, और PTA ऑफिशियल अप्रूव्ड ड्यूल सिम है। ये एसेसरीज़ हैं इसके साथ। इसके अलावा हेडफोन वगैरह नहीं है, क्योंकि जो दोस्त यूरोप से लाए थे तो वो बगैर चार्जर के लाए थे। उनके पास सिर्फ डब्बा था इसका, बॉक्स था, और पाउच भी नहीं था, तो पाउच हमने खुद लगाया। और चार्जर भी मेरा अपना ही जेन्युइन चार्जर है, जो मैं इसके साथ उसको जो भी परचेज़ करेगा उसको दे दूँगा। और परचेज़ करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा, तो स्क्रीन पर शो होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें, ठीक है जी। जी दोस्तों, अब मैं आपको आखिरी बात, जिसके लिए आप सब भी मुंतज़र थे और सोच रहे थे कि पता नहीं इसका रेट क्या होगा, मैं मार्केट रेट जेन्युइन पीस विदाउट डॉट एंड स्क्रीन शेड, कोई स्क्रीन शेड नहीं, कोई डॉट नहीं है, और किसी किस्म की कोई रिपेयरिंग नहीं है, मोबाइल खोला नहीं है, ओरिजिनल है, यूरोप से इम्पोर्ट हुआ है, PTA अप्रूव है, ड्यूल सिम है, मैं आपको इसकी कीमत बता देता हूँ। मार्केट के अंदर इसकी 2.5 लाख रुपए तक कीमत है, जो PTA ऑफिशियल अप्रूव है। और हमने इसकी कीमत जो रखी है वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, 1,50,000 कीमत है इसकी, ठीक है जी, ये कीमत है इसकी। और जो मेरे व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, स्पेशली तौर पे सब्सक्राइबर्स के लिए जो मैं कुछ डिस्काउंट ज़रूर दूंगा, और जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको भी डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा, लेकिन ऑफ़र के लिए स्पेशल वही लोग हैं जो एक्चुअली ख़रीदना चाहते हैं, जिनको समझ में आती है। और ये मेरी वीडियो जो है मैक्सिमम 5 दिन के लिए वैलिड है, 5 दिन के बाद ये मोबाइल जो है हटा दिया जाएगा, और ये सेल आउट हो जाए या ना हो, मोबाइल जो वीडियो हमारी सिर्फ 5 डेज तक वैलिड है। इसके बाद जो है इसकी वैलिडेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ना कोई मैसेज करे और ना ही कोई जो है हमें फ़ोन करे कि भाई जान मोबाइल चाहिए हमें, तो मेरे दोस्तों, क्योंकि लोग हमारे जो है दोस्त हैं वो मैसेज भी करते हैं, फ़ोन भी करते हैं। बाकी जो हमारी ऑफिशियल वीडियोज़ चल रही हैं इन्वर्टर के हवाले से, वो तो इंशाल्लाह चलती रहेंगी। और साथ साथ में हमने ये एक प्रोग्राम जो है शुरू किया है कि बीच बीच में हम इंशाल्लाह अपने दोस्तों के लिए ऐसी ऑफ़र ज़रूर लेकर आएंगे। इसके अलावा और भी ऑफ़र लाएंगे, उसकी वीडियोस आप तक पहुंच जाएगी। फिर
जी दोस्तों, मैं अब अपनी वीडियो का एंड करता हूं और मैंने आपको मोबाइल के मैक्सिमम फंक्शन बता दिए हैं और इसकी फिजिकल जो है वो शक्ल भी आपको दिखा दी है। किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है। बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, बहुत सारी तमन्नाएं हैं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।